देश की जीवन रेखा मानी जाती हैं और हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क का सही उपयोग हम सबका सामाजिक उत्तरदायित्व है, परंतु वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और अपनी लापरवाही और गलतियों की वजह से वाहन चलाते समय या सड़क का इस्तेमाल करते समय हम अक्सर सड़क दुर्घटनाओं की चपेट में आ जाते हैं। ये चौंका देने वाले भयानक आंकड़े देश में आई किसी प्राकृतिक विपदा की मार नहीं दर्शाते, बल्कि ये तो एक ही साल में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की त्रासदी बयां करते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना और खासकर युवा वर्ग द्वारा की गई ये गलती सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि शराब हमारे दिमागी संतुलन पर सीधा असर करती है और हम इस गलती को बहादुरी मान लेते हैं। आराम से पार्टियां ड्रिंक ही हुई है यार। अरे तीन पैक में मेरा क्या होगा, पूरी बोतल पिला दे, गाड़ी चला के दिखा दूं। पता है एक बार ज्यादा हो गई थी, पूरे सात पैक। सात पैक पर मजा आ, गाड़ी कहीं टच हो जाए सीधे घर विदाउट एनी मिस्टेक। साल 2011 में शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाने की वजह से 24,655 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 10,553 लोगों की मौत हो गई और 21,148 लोग बुरी तरह घायल हुए। साल 2011 में ही भारत में हर एक मिनट में सड़क दुर्घटना हुई और हर चार मिनट में एक आदमी सड़क पर होने वाले हादसे की वजह से मौत के मुंह में समा गया। ये एक बड़ी राष्ट्रीय क्षति है। इसका एक और दुखद पहलू ये भी है कि इन हादसों में शिकार लोगों में 30% से अधिक 15 से 19 साल के बीच के बच्चे और युवा थे। क्या हुआ बच्चों? बस में बैठने से पहले हमारी कुछ मांगे हैं। कैसी मांगे? आप बस तेज नहीं चलाओगे, मतलब स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, गलत ओवरटेकिंग नहीं करोगे, आप सीट बेल्ट पहनोगे, बस चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे, ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं करोगे। जब आप सारे रूल्स फॉलो करोगे तभी हम आपकी बस में ट्रैवल करेंगे। बच्चे सयाने हो गए, अब हमें भी हो जाना चाहिए। देश में सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मंत्रालय विभिन्न सरकारी और सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर कई जागरूकता अभियान चला रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए हम सबको सजग बनना होगा। अरे क्या किया आपने? अगर आपको दाहिने मुड़ना था तो आपने गाड़ी बाएं से क्यों मोड़ी? बस बस ऐसे ही होगा अगर शहर की सड़कों पर इस तरह की ड्राइविंग होगी तो। अरे अपने लेन में रहिए, गलत ओवरटेक मत कीजिए, सिग्नल से 200 मीटर पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि किस दिशा में जाना है, वरना। अक्सर देखने में आता है कि हम सब न सिर्फ सड़क इस्तेमाल में लापरवाही बरतते हैं, बल्कि सड़क हादसों के शिकार घायलों को अस्पताल पहुंचाने की अपनी मानवीय जिम्मेदारी से भी पीछे हट जाते हैं। किसी ने पुलिस या एम्बुलेंस को फोन किया? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करें। याद रहे, दुर्घटना का शिकार आपका कोई अपना भी हो सकता है। सड़क सुरक्षा में हम सबको भागीदारी दिखानी होगी। लेन ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग जो लोग करते हैं वो सड़क की इज्जत करते हैं और हमेशा ऐसे ही लोग चलते हैं। जो लोग लेन बदल के गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, हमेशा वैसे ड्राइवर मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। सर जी मैं तो रेडी हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो आइए ना, आइए। ये है परमार साहब, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत तेजी में।
मोबाइल पर देख रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं, जैसे घर में बैठ के अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, जमीन तुम्हारी है, पार्टी मेरे पास है, पैसा मेरे पास रेडी है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? सारा बिजनेस गाड़ी में बैठ के रोड पे ही हो जाता है। परमार साहब इनकी गलतियाँ देखिए, सीट बेल्ट पहनना इनकी आदत नहीं है ना, और स्पीड, और बाप रे बाप 80 के ऊपर, तभी तो मैंने हेलमेट पहन रखा है। लेन चेंज करना तो ये ऐसे लेन चेंज करते हैं जैसे पजामा चेंज कर रहा हूँ। हेलो परमार साहब, हेलो, सिग्नल राइट का दे रहा हूँ और लेफ्ट में गाड़ी ले रहा हूँ। परमार साहब, अरे जिब्रा क्रॉसिंग पर लाके गाड़ी खड़ी कर दी है, तो सड़क क्रॉस करने वाले का हवा में सड़क क्रॉस करेंगे क्या? सड़क पर होने वाले हादसों से हम आसानी से बच सकते हैं अगर हम वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करना तय कर लें। अब इन्हें देखिए, हेलमेट पहनना इनको बोझ लगता है, बाइक की सर्विसिंग भी एक साल से नहीं कराई है, ब्रेक कमजोर, क्लच खराब, ओ एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसे लोगों के साथ तो हेलमेट लगा के भी नहीं बैठना चाहिए, इनको तो पूरी दुनिया टेढ़ी दिखती है। अरे दिखाई नहीं देता क्या? पता नहीं कि भाई तरफ से ओवरटेक नहीं करते, खुद के जान पे बनाई तो ट्रैफिक रूल्स याद आने लगे, वरना सड़कों पर लहराते हुए बाइक चलाते हैं। और ट्रैक्टर वाले किसान भाई साहब को तो कान के नीचे चिल्ला के कहने का मन कर रहा है, अंकल ये सड़क है, खेत खलिया नहीं, ऐसे ओवरटेक नहीं करते, लेकिन उनको कौन समझाए। भैया ओवरटेक करते समय हमेशा दाहिनी तरफ से ओवरटेक करो, लेकिन इनको तो मौके पे चौका लगाने का आदत है, जहां देखे बाएं खाली निकल लिए। अरे गेट खोलो। अरे भाई टॉर्च क्यों मार रहे हो, दिखता नहीं कौन है? माफ कर रहा साहब, आपकी हाई बीम ने मुझे अंधा कर दिया, इसलिए चेक करना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि लोग हाईवे पर हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहब आप तो कॉलोनी नहीं। सॉरी। हाँ तो आओ जिए एक नई सोच के साथ, अब सड़क पर हमेशा रहेंगे सावधान। पेमेंट है? है? पेमेंट की गारंटी मैं ले रहा हूँ यार। हाँ जी कही है? कहना होना कुछ नहीं है, बस सोचना है, वो भी थोड़ा आपको। अब है कौन? एसएस जीवन। एसएस जीवन सुंदर सुरक्षित जीवन लगता है, लेकिन आप मेरे नाम में बिलीव नहीं करते, इसलिए आप नहीं चाहते कि आपका जीवन सुंदर और सुरक्षित हो। करते क्या हैं आप? नहीं करता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन आप बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं करते, आप बेल्ट नहीं लगाते, ड्राइव करते समय जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की लेन में घुस के ओवरटेक करते हैं, हमेशा ओवर स्पीड में रहते हैं। इसका मतलब? मतलब बड़ा सीधा एंड सिंपल है सर जी, सोच समझ के गाड़ी चलाइए, अपने साथ साथ दूसरों का जीवन बचाइए। ओह अच्छा, धन्यवाद। अबे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, उम्र क्या है आपकी? 40 में दो कम। बस इतने ही में चाहते हैं निकल जाए दम। क्या मतलब आपका? ग्रीन सिग्नल है और रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर खुदा ना खासा बाई चांस पैर स्लिप हो गया तो क्या? तो परिवार वाले रोएंगे, और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे इनको या तो अच्छी बात सिखाइए कि बच्चों रोड क्रॉस जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पुल से करो, रोड क्रॉस करते समय सबसे पहले बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो, तब जाके रोड क्रॉस करो। अब चल। पापा अब तो बाइक दिला दो। हाँ हाँ मिलेगी, लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या? अरे दिन भर पतंग उड़ाता रह रहा, पहले एग्जाम में पास होना पड़ेगा, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। पापा चाबी, चाबी मिलेगी लेकिन पहले कंडीशंस अप्लाई। अब क्या पापा? पहले ये हेलमेट पहनो और एक जिम्मेदार नागरिक बनो, समझे? अपने बेटे को बाइक जरूर दे, लेकिन एक हेलमेट के साथ। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि बन जाता है ये हमारी ही मौत का सामान। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ड्रिंक करके गाड़ी चलाओगे? मालूम नहीं नशे की हालत में ड्राइव करना जानलेवा है? अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार की तो फिक्र करो, कब संभलोगे? एक जिम्मेदार नागरिक बनो। जी हाँ, सुरक्षित सड़क इस्तेमाल में पूरा सहयोग है हम सबका दायित्व। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी